हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के 9 अगस्त के क्वेश्चंस, और इसमें मैंने जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिले हैं स्टूडेंट्स के थ्रू और अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू, तो इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे, और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताऊँगा, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो या एसएससी हो या बैंक्स के एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वैसे तो अरुण जेटली हैं, लेकिन करेंट में अभी इनको रिप्लेस कर दिया गया है पीयूष गोयल के द्वारा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पीयूष गोयल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग ऑफ इंडिया, इसको मैंने पढ़ाया था, हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग ऑफ इंडिया यूट्यूब वीडियो पे मैंने इसको डाला था। देखिए, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 133 है, 133वीं रैंक है। जो सबसे ज़्यादा खुश कंट्री है वो है फिनलैंड, ठीक है, और 156 देशों में से 133वां स्थान है इंडिया का। और ये रिपोर्ट जो निकालता है ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 किसने जीता है। ये शायद मेल का पूछा गया है कि मेल टाइटल किसने जीता है, तो रोजर फेडरर इसका आंसर है। और फीमेल में यदि पूछा जाए तो इसका आंसर होगा कैरोलिना, और ये है डेनमार्क से। हु इज द सीईओ ऑफ अलाहाबाद बैंक, ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, उषा अनंत सुब्रमण्यम ये इनका नाम है। और एक ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपसे फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एवर सीएफओ ऑफ आरबीआई, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसको अभी इलेक्ट किया गया है, तो इनका नाम है सुधा बालकृष्णन, ठीक है। और ये वाइस प्रेसिडेंट थी एनएसडीएल में, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बैंकिंग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जुपिटर के न्यू मून्स की संख्या कितनी है। ये आपका साइंस का एक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से पूछा गया है एएलपी एग्जाम में, 12 इसका आंसर है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा गया है, निपू रियो इनका नाम है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का, और नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल प्राइज लिटरेचर का 2017 का किसको मिला है, कजाऊ इसी गुरु इनका नाम है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में सेलेक्ट किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। राजीव गौबा कमेटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बनाई है, हाई लेवल कमेटी है ये, और मॉब लिंचिंग को ट्रैक करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। मॉब लिंचिंग क्या होता है, मॉब लिंचिंग में जैसे कहीं पर चार छः लोग या भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो किसी व्यक्ति को सजा देते हैं, या तो उसको हैंग करते हैं या मारते हैं, तो इस तरह से उसकी उसकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है, ज़्यादातर केसेस में डेथ हो जाती है। तो गवर्नमेंट इसको ट्रैक करेगी, और इसके लिए राजीव गौबा कमेटी एक बनाई गई है, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। और ये मॉब लिंचिंग का एक कांड हुआ था यूपी में, शायद आपने सुना होगा, दादरी या ऐसी कोई जगह का नाम है यूपी में, वहाँ पर यह कांड हुआ था मॉब लिंचिंग का, जिसमें एक मॉमडन फैमिली को कई सारे लोगों ने मिलकर उन पर अटैक कर दिया था। तो ये होता है मॉब लिंचिंग। राजीव गौबा कमेटी हाई लेवल कमेटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इसको बनाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्ज़ाम वॉरियर, एग्ज़ाम वॉरियर बुक किसने लिखी है, ये पीएम मोदी के द्वारा लिखी गई है, इसमें एग्ज़ाम की टिप्स और एग्ज़ाम की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए बताई गई हैं। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका आंसर है बनवारी लाल पुरोहित, ये इसका आंसर है। और गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के वो हैं पलानी स्वामी, पलानी स्वामी, ई के पलानी स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट मेडल बाय एन इंडियन, इंडियन ने फर्स्ट मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन है जिन्होंने जीता है, तो इनका नाम है गुरु राजा, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैंने लिया है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 2018 का जो थीम है वो है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इसका इनका इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैंक ऑफ इंडिया ऑन करप्शन इंडेक्स, ये करप्शन इंडेक्स है, और इसमें जो रैंक है इंडिया की वो 81 रैंक है, मतलब जो सबसे टॉप पर है
सबसे टॉप पर जो है वो सबसे ज़्यादा करप्ट है और सबसे नीचे है वो सबसे कम करप्ट है। कैपिटल ऑफ मलेशिया, कैपिटल ऑफ मलेशिया पूछी गई है, कुआलालंपुर इस कंट्री का नाम, इसका सिटी का नाम है, और मलेशियन जो करेंसी है वो है रिंगिट। विमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। और विमेन T20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट टूर्नामेंट जो हुआ था वो 2009 में हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर, IPL की एक टीम है और इसके ओनर जो हैं, इसके मालिक जो हैं, शाहरुख खान हैं, जूही चावला हैं और जय मेहता उनके जो हस्बैंड हैं वो सारे इसमें ओनर हैं। इन इंडिया द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC मेंस, ठीक है, AC और DC दो करेंट्स होते हैं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 50 CS। एक ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग हूज रेन वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। 1911 में ये कैपिटल का चेंज हुआ है, पहले कोलकाता में थी उसके बाद दिल्ली आई 1911 में, और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ये कैपिटल चेंज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज पीर पंजल टनल, ये सबसे लंबा टनल है और ये जम्मू एंड कश्मीर में है, बनिहाल टाउन में है ये। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी, इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है और इनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। करंट इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ PM, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नेक्स्ट बैंकिंग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। विवेक देव रॉय इनका नाम है, करंट इकोनॉमिक एडवाइज़र, इकोनॉमिक अफेयर्स पर वो PM को एडवाइस करते हैं। आगे हम देखते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ओम है, ओम। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन टॉर्च, टॉर्च में हम किस तरह का लेंस यूज करते हैं, तो ALP में ये फिजिक्स का एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्वेक्स लेंस इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेडल एंड विनर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को या फैमिली को, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सेलिब्रेशन को। एसिड इन एंट स्टिंग, चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। विच एक्ट इज रिलेटेड टू इंडो पाक पार्टीशन, और इसको हम बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, जो पार्टीशन का प्लान बनाया था वो माउंटबेटन ने बनाया था, इसको हम बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत ये आता है, ये हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर्स होते हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पार्टनर या एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये क्वेश्चन एक बायोलॉजी का पूछा गया है। ये हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आगामी ALP एग्जाम में, SSC एग्जाम में और बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नीरज चोपड़ा जो है वो किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित हैं, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सॉटेविली एथलेटिक्स मीट में, ये फ्रांस में हुआ था, सॉटेविली एथलेटिक्स मीट फ्रांस में हुआ था ये 17 जुलाई को, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन द कंट्री, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूवल दिया है, ये तेलंगाना में है गोदावरी रिवर पर, और कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इसका नाम है और इंडिया का फर्स्ट ये लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, बिगेस्ट लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन द कंट्री, ये तेलंगाना में है गोदावरी रिवर पर। हु रिसीव द गोल्डन बॉल अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर एट फीफा वर्ल्ड कप 2018, ये भी रशिया में ख़त्म हुआ है और इसमें लुका मॉड्रिक ये क्रोएशिया के हैं और इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है, बेस्ट प्लेयर का गोल्डन बॉल अवार्ड, और हैरी केन इन्होंने जीता है गोल्डन बूट अवार्ड, ये हैं इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया की रैंक क्या है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और इसमें 78th रैंक है इंडिया की। थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2018, थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2018 क्या है, इसका आंसर है रेडी टू बीट मलेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगामी एग्जाम्स के लिए। और थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसका थीम क्या है, उसका थीम है फैमिली प्लानिंग इज अ ह्यूमन राइट, फैमिली प्लानिंग इज अ ह्यूमन राइट, तो ये इसका सही आंसर है।
यदि आप हमारे ई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं बैंक पी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के लिए, तो इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसके रिगार्डिंग इन नंबर्स पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और यह है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, इनके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।